नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम गणित विषय कक्षा 12th के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, ठीक है, आपने बोर्ड पे भी देखा होगा कि आपका जो नया सिलेबस है कक्षा 12th राजस्थान बोर्ड के अंतर्गत, वो आ चुका है NCERT सिलेबस, जबकि पिछली बार था RBSC सिलेबस। तो उसी के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैथ कक्षा 12th, ठीक है, राजस्थान के अंतर्गत की बात कर रहे हैं। तो पहले जो था कक्षा 12th के अंतर्गत, वो RBSC सिलेबस रहा था। इस बार जो है परिवर्तित होकर के NCERT सिलेबस आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के मध्य में क्या चर्चा करने वाले हैं उसको थोड़ा समझते हैं। आपके मन में, प्रत्येक बच्चे के मन में ये क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि सर चेंज क्यों हुआ है। पहला क्वेश्चन यही होगा सबके मन में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन रहा होगा कि सर NCERT बढ़िया रहेगा कि RBSC बढ़िया था। ये दूसरा क्वेश्चन जाया नहीं, सभी प्रकार के प्रश्न उठते हैं, ठीक है। और फिर चेंज हुआ है तो क्या सेम रहेंगे प्रश्नावलियाँ या कुछ बदलेंगे, तो वो भी चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और आपके मन में ये भी क्वेश्चन उठ रहा होगा बच्चों के कि सर ये जो NCERT सिलेबस है पहली बार आया है या पहले भी कभी आ गया। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो के अंतर में मिलेगा, ठीक है। यानी वीडियो के अंदर आपको ये सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखना, ठीक है, बीच में स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसको विस्तार से। RBSC सिलेबस पिछली बार था, NCERT सिलेबस अब की बार लागू होगा। तो आपको जैसा दिख रहा है कि RBSC सिलेबस जो जिन बच्चों ने पढ़ा है, आपके सीनियर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा है, 16 यूनिट के अंतर्गत इसको पढ़ा होगा, ठीक है। अब की बार आप पढ़ रहे हैं तो 13 यूनिट, ठीक है। अब की बार आप 13 यूनिट पढ़े, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ सरल दिखा रखा है, कठिन दिखा रखा है, ऐसा क्यों सर? प्रश्नावली कम हो गई, प्रश्नावलियाँ कम हो गई तब तो सरल होना चाहिए, जबकि आपने कठिन लिख रखा है। तो चलिए समझते हैं इस चीज को भी ढंग से, ठीक है। देखिएगा 16 यूनिट्स, ठीक है, यहाँ पे 13 यूनिट्स ही हैं, ठीक है। 3 यूनिट होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस भी है तो कौन कौन सी यूनिटों की वजह से है। एक यहाँ पर आपके चैप्टर चलता है आव्यूह, ठीक है। दूसरा चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं अवकलन। तीसरा जो चैप्टर होगा एक, वो पढ़ेंगे समाकलन नाम से, ठीक है। इनके मध्य ही अंतर आपको दिखाई देता है। क्या होता है, अक्सर RBSC सिलेबस जो था उसमें इनके टुकड़े कर दिए गए थे, दो अलग अलग भाग कर दिए गए थे, एक पार्ट दूसरा पार्ट, ठीक है, इसके दो पार्ट, इसके दो पार्ट, तो तीन एक्स्ट्रा पार्ट हो जाते हैं NCERT से, ठीक है। और तीनों को जब ऐड करते हैं तो हो जाती है 16 यूनिट्स, ठीक है। तो इतना सा अंतर है, बाकी प्रश्नावलियाँ लगभग सेम सी हैं, क्वेश्चन भी लगभग सेम से ही होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर होता है, लेकिन जो उनकी शैली है वो लगभग सेम सी होती है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, ये तो इन दोनों के बीच में अंतर था। अब सरल कठिन का मामला कहाँ से आ गया, कैसे सरल कठिन बता रहे हो, तो उस चीज को समझते हैं हम इस उदाहरण से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि कौन सा सिलेबस सर सरल है, कौन सा कठिन है। तो देखिएगा, सरल और कठिन की बात करता हूँ तो मैंने, मान लीजिए आपको इस उदाहरण से समझना है, एक लकड़ियों का बंडल दिया, ढेर सारी लकड़ियां थी उसके अंदर, और मैंने कहा कि तुम अपने घर तक, अपनी मंजिल तक ले जाइए। तो एक साथ जब इतनी सारी लकड़ियों को ले जाओगे तो वो कार्य कठिन होगा या सरल? स्वाभाविक है कि वो कठिन होगा, लेकिन मैं इसी चीज में आपको स्वतंत्रता दे देता हूँ, या ऐसे कह देता हूँ कि ऐसा नहीं है, इसको खोल लीजिए और इसके अलग अलग टुकड़े जो है उनको ले जाइए, तो वो कार्य आपके लिए सरल हो गया, ठीक है, वो कार्य आपके लिए सरल हो जाता है। तो ऐसी बात यह है कि RBSC जो थी उसके अंतर्गत इन प्रश्नावलियों के टुकड़े कर दिए गए थे, कुछ प्रश्नावली जो पड़ी थी उनके, तो उनके टुकड़े कर दिए। तो ये सिलेबस जो था, यूनिट्स भले ही इसमें ज्यादा हो जाती है, लेकिन ये सिलेबस आपके लिए सरल था, पढ़ने में बच्चों को भी काफी अच्छा इंटरेस्ट आता था। टुकड़ों में यदि हम किस चीज को पढ़ते हैं तो वो अच्छी लगती है पढ़ने में, ज्यादा चीजें ग्रहण होती हैं। लेकिन NCERT में होता क्या है या होगा क्या कि इसमें जो टुकड़े थे वो केवल एक एक यूनिट्स के रूप में सम्मिलित हो जाएंगी, और NCERT सिलेबस इस वजह से कम यूनिट होते हुए भी आपके लिए थोड़ा कठिन रहने वाला है, ठीक है। लेकिन अब एक क्वेश्चन और आएगा मन में कि सर ये बात तो ठीक है, हमको पता चल गई, लेकिन ये बताइए कि NCERT सिलेबस जो है पहले भी कभी लागू हुआ है? तो बिल्कुल, यदि आपका कोई भाई बहन हो या 2017 में जिसने मैथ साइंस से पास आउट हुआ है 12th,
तो उससे पूछेगा कि 2017 में आपकी कौन सी बुक थी, तो आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी बुक्स थी। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो 2017 की जिनके पास पढ़ी है उन्हीं को लेकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है उनका, ठीक है। यों में बुक होंगी, दो पार्ट्स में आएंगी, तो वो सिलेबस ही इस बार लागू हुआ है। तो आपको ये भी पता चला कि एनसीईआरटी सिलेबस को पहली बार लागू नहीं हो रहा है, पहले भी लागू हो चुका। अब क्वेश्चन ये भी होगा, सर क्यों लागू हुआ है एनसीईआरटी सिलेबस, क्यों लागू हुआ है? तो देखिएगा, हमारे सरकार जो है, राजस्थान सरकार की बात करें, यहाँ के विद्यालयों में लगभग हर 5 वर्ष के बाद में जो है सिलेबस चेंज होता रहता है, तो उसी वजह से ये सिलेबस आपको चेंज दिखाई देगा, ठीक है। तो 2017 में था, और जैसे कि आप सब जानते भी हैं कि पहले कक्षा 11 का, 10वीं में बात करते पहले कक्षा 9 का सिलेबस चेंज होता है, तो वैसा ही हुआ। पिछली बार कक्षा 11 में एनसीईआरटी आ गई थी, अब 12 में आ जाएगी, ठीक है। 2017 में 12वीं के स्टूडेंट्स ने एनसीईआरटी पढ़ी थी, जबकि 11वीं में आरबीएससी आ चुकी थी, तो वही कंडीशन यहाँ पर फिर से लागू आपको हो जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे आपके, उन सभी का शायद आपको जवाब मिला होगा, ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, ठीक, कमेंट करके अवश्य बताना, और चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।